नमस्कार, मैं ममता वाजपेयी। नवरात्रि आने वाली है, खूब आजकल देवी के गीत आ रहे हैं, सुन रहे हैं लोग। और मैं आज आपको एक सुंदर सा देवी जी का गीत सुनाऊंगी और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि जो लोग नवरात्र व्रत नहीं करते हैं और या कलश नहीं रखते माता रानी का, तो वो किस तरह से छोटी सी पूजा करके माँ को मना सकते हैं, माँ को खुश कर सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। तो आप सुनिए एक भजन मेरा। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के सामने माँ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के सामने माँ मंदिर बन जाए, जब घर से निकलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब घर से निकलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, आते जाते मैया मेरा मस्तक झुक जाए, आते जाते मैया मेरा मस्तक झुक जाए, खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, हर रोज सुबह मैया तेरी घंटी सुनाई दे, हर रोज सुबह मैया तेरी घंटी सुनाई दे, घंटी की धुन सुनकर मेरा मन खुश हो जाए, घंटी की धुन सुन के मेरा मन खुश हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब जयकारा हो माँ मेरे कानों तक आए, जब जयकारा हो माँ मेरे कानों तक आए, मेरा रोम रोम मैया तेरा कीर्तन कर जाए, मेरा रोम रोम मैया तेरा कीर्तन कर जाए, मेरे घर के सामने माँ मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, आते जाते मैया मेरा मस्तक झुक जाए, आते जाते मैया मेरा मस्तक झुक जाए, मेरे घर के सामने माँ तेरा मंदिर बन जाए, तेरी एक पुकार से माँ मैं दौड़ के आ जाऊं, तेरी एक पुकार से माँ मैं दौड़ के आ जाऊं, आवाज लगाऊं माँ तेरे कानों तक जाए, आवाज लगाऊं माँ तेरे कानों तक जाए, जब खिड़की खोलूं माँ तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं माँ तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के सामने माँ तेरा मंदिर बन जाए, जब घर से निकलूं माँ तेरा दर्शन हो जाए, जब घर से निकलूं माँ तेरा दर्शन हो जाए, तेरी एक मुस्कान पे माँ मेरा दिन ही कट जाए, तेरी एक मुस्कान पे माँ मेरा दिन ही कट जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के सामने माँ तेरा मंदिर बन जाए,
मेरे घर के सामने माँ तेरा मंदिर बन जाए। ये तो रही मेरा भजन रहा। और अब मैं बताऊंगी कि जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं कर सकते और जवारी नहीं बो सकते, कलश नहीं रखते, वो लोग किस तरह से पूजा करें माँ की। और माँ तो माँ है, बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। जरूरी नहीं है कि आप उनके लिए 9 दिन व्रत रखें, भूखे पेट रहें या बहुत पूजा करें, लेकिन जो करते हैं अच्छी बात है। सबके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है या इतनी ताकत नहीं होती है, सबकी शक्ति अपनी अपनी है। जो करते हैं बहुत बड़ी बात है और करना चाहिए, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, जॉब करते हैं, उनके पास समय नहीं है, मैं उनके लिए ये बता रही हूँ कि आप एक नारियल लाइए और एक चुन्नी लाइए माता रानी की छोटी सी, और कपूर लाइए, लौंग इलायची लाइए, बतासा लाइए, धूप लाइए, सब लाइए प्रसाद घर में, और लाके नवरात्रि के पहले ही दिन मंदिर साफ करके और मंदिर में कि नहा धोकर मंदिर साफ करके बैठिए। और जिनके घर मंदिर है और देवी जी की माँ की फोटो है तो उनको तो जरूरी इतनी पूजा करनी ही चाहिए, करनी ही है। और उस नारियल को चुन्नी में लपेटिए, लपेट के माता रानी के पास रख दीजिए। और फिर आप सुहागिन हैं तो आप सुहाग का सामान भी ले आइए, वो भी चढ़ा सकती हैं वहाँ पे, रख सकती हैं चूड़ी बिंदी बिछिया जो भी रखना चाहे सिंदूर वहाँ पर रख के, और लौंग इलायची चढ़ा दीजिए, बतासे चढ़ा दीजिए, सब चीज़ नारियल के पास माता रानी के पास रखिए। और रखने के बाद आरती करिए, पूजा करिए और माता रानी से कहिए कि माता रानी ये मैं आपको भेंट नारियल की चढ़ा रही हूँ, ये मेरे परिवार को स्वस्थ रखना, सुरक्षा करना, रक्षा करना हमारे परिवार की, और हमारा परिवार अच्छे से रहे। मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, मेरे पास इतनी श्रद्धा, इतना ही टाइम है कि मैं आपसे पूजा कर सकता हूँ। श्रद्धा हो भी तो टाइम नहीं होता है। और दिल से आप बोलिए, आपका जरूर सब कुछ पूरा होगा। और इतना और करिए कि सुबह शाम माता की आरती जरूर करिए, फिर नारियल रखने के बाद आरती जरूर करिए, सुबह शाम आरती कर दीजिए। अगर टाइम है तो सुबह ही टाइम है तो एक ही टाइम कर लीजिए, अगर दो टाइम है तो और अच्छी बात है। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है 10 मिनट का तो दुर्गा सप्तशती की बुक किताब आती है माता रानी की, जो पूजा की दुकानों में मिलती है, पूजा की जहाँ किताबें मिलती हैं, और उसको लाकर उसके पीछे आप देखेंगे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, बड़ा होता है, टाइम लगेगा। ये वही लोग कर सकते हैं जो लोग घर में रहते हैं या नवरात्रि व्रत करते हैं, वो लोग करते हैं। और कवच एक होता है पीछे, कवच लिखा होता है उसमें, कवच ऊपर लिखा होगा हेडिंग, और वो 2-2.5 पेज का है, उसको आप पढ़िए, उसको आप पढ़िए, फिर आप देखिए कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा आती है, उसमें क्या ऊर्जा है, पढ़ने मात्र से उसमें ऊर्जा आती है कि आपको लगेगा माता रानी ने जैसे हमारी सब सुन ली और मेरे घर की सुरक्षा कर दी, मेरे घर में शांति आ गई, मेरे घर में ऊर्जा आ गई, मतलब बहुत खुशी महसूस होगी उसको पढ़कर, बहुत अच्छा लगता है। पढ़ते टाइम ही मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, और मुश्किल को 10 मिनट लगते हैं, उसको रोज पढ़िए। अगर सुबह टाइम नहीं मिल रहा शाम को आके पढ़िए, शाम को साफ सुथरा होके बैठ जाइए माता रानी के सामने, उसको पढ़ लीजिए, दिया जला के दीपक जला लीजिए, धूप बत्ती जला लीजिए और उसे पढ़ लीजिए, और आरती कर दीजिए माता रानी की। फिर देखिए आप कि माता रानी कितना खुश होती है। और उसी बुक में 108 माता रानी के नाम भी हैं, अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो 108 माता रानी के नाम पढ़ लीजिए, मुश्किल को 2-3 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता है टाइम। लेकिन हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लोग तो बहुत बहुत पूजा करते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं माता रानी की पूजा करते हैं, और नवरात्रि में तो बहुत पुजारी लोग हैं, बहुत पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कुछ लोग तो कुछ नहीं खाते व्रत करते हैं, कठिन काम है, लेकिन जितना हो जाए श्रद्धा से। माँ कभी नहीं कहती कि तुम भूखे रहो, ये तो हमारी श्रद्धा की बात है कि हम माँ के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आप इतना करिए अगर कर सकते हैं तो।
संकट हमारे मिटाओ महारानी।